मोदी जी ने 10 सालों में क्या लगा बढ़िया काम किया? क्या नहीं दिया उसने बता दिए, क्या काम बढ़िया इनसे जब पूछो ये काम क्या नहीं दिया है, काम बता दो। तीन काम मोदी जी ने जिससे जनता और गरीब को फायदा हुआ, या आपको ही मिले तीन फायदे? मुझे तो सब फायदे मिल रहे हैं, एक गिनाओ, तीन गिना दो। रोटी मिल रही है, दाल रोटी चाहिए, मोदी जी खिलाने आते हैं रोटी जी, वो तो हम भी कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, बच्चे भी कमा रहे हैं। भूखा कौन है? भूखा तो कोई नहीं है भाई, आपके घर पे पानी आ रहा है? पानी आ रहा है आपके घर पे? पानी आ रहा है घर पे? सर सर एक मिनट, सर एक मिनट, घर पे पानी आ रहा है? घर पे? हाँ घर पे। पानी पीता नहीं हूँ आपको लगता है? मैं क्या कह रहा हूँ आपको बता, मैं पानी नहीं पीता हूँ तो वैसे चाहिए। आ रहा है घर पे आपके? नगर निगम से पानी आ रहा है? तो कहाँ से आ रहा है? खरंजा बना हुआ आपके घर के आगे? ऐसे अब अगर आप ऐसे छोटे मोटे खरंजियों की बात करोगे, कांग्रेस की सरकार में खरंजा बनाता जी? मैं क्या चाह रहा हूँ, सरकार में करंजा बनाता? उसको छोड़ो, पहले क्या था, हम जिंदा अब हैं। की करंजे की बात मत, देश की बात करो। चलो बता दो क्या मोदी फायदे, तीन फायदे बता दो मुझे, बता दो। अब तीन फायदे नहीं बता पा रहे हैं और गुणगान इतने कर रहे हैं, बताओ। आप सभी लोग देख रहे हैं, परेशान हो, मैं तो परेशान हूँ नहीं, जो मैं फायदे बताऊँ। आपको अच्छा लगता ना गवर्नमेंट अच्छी है ना? गवर्नमेंट अच्छी है, अच्छा काम 10 सालों में किया होगा ना मोदी जी ने? ये बता दो 10 सालों में काम बढ़िया किया, परेशान है जे, किस चीज से परेशान है? 10 सालों में काम किया तो आपको क्या लगा बढ़िया काम क्या हुआ बता दो? अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बता दो, कौन सी उस क्या क्या लेवल पे उसका वैल्यूएशन खराब है जी, बता दो आप। भुखमरी में पता कितने पैर जाने पे आ गया, अमेरिका उसको वीजा नहीं देता था, पूछ लो संदो यार किसको नहीं जाता था, जब कौन नहीं गया, कौन भाई साहब किस दुनिया में रह रहे हो, बात तो सुन लो, किस दुनिया में रह रहे हो, सुन लो यार मेरे। जब बोली, वो गुजरात का मुख्यमंत्री था, कौन था? मोदी। बोली बोली सबसे बोलने तो भाई मुख्यमंत्री था, तो अमेरिका ने जो कह दी हम मोदी को वीजा नहीं देंगे, किसने कहा ये बात? आप देख लो मोदी भाई साहब किस दुनिया में रह रहे हो आप, किस दुनिया, अमेरिका घूम के आ चुके मोदी जी, मुख्यमंत्री थे उससे पहले भी, लंदन करके फोटो शेयर है, मुख्यमंत्री तब था तो उसे वीजा नहीं देता था अमेरिका, आज उसे अमेरिका 6 बार बुलाता है, आ जाओ भैया फैसला कर जाओ, यूक्रेन का युद्ध रोको। प्रधानमंत्री हैं तो बुलाएंगे ही ना, 140 करोड़ जनता का नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी, फायदा नहीं बता पा रहे हो सरकार के, क्या फायदा बताऊँ, वही तो चाह रहा हूँ, बताइए क्या फायदा हुआ, परेशान क्या है, परेशान क्या है? मैं बता रहा हूँ आपको, इंडिया भुखमरी में कितने दिन पे आ गया है, भुखमरी पे कितने पायदान पे आ चुके इंडिया, लिस्ट कौन सी है? अभी 60,000 वैकेंसी निकली थी, 56 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, इनमें से भर्ती कैंसिल हुई, लोग नौकरी के लिए अपने घर से बाहर निकले हैं, उन्हें क्या फायदा मिला? बेचारों को 400-400 रुपए गए, बताइए क्या मिला उन्हें, आप बताइए। पेपर लीक मोदी ने किया था, योगी ने, ये शासन प्रशासन दोनों की तरफ से हुआ है, किसने किया है? पेपर लीक किसकी मानते हैं, गलती किसकी मानते हैं आप? कर्मचारी लीक हुआ तो सरकारी गलती नहीं है, अभी तक सजा किसको नहीं मिली? भर्ती केंद्र निरस्त क्यों नहीं मिली? भर्ती निरस्त एकदम मिल जाएगी सजा, क्यों नहीं मिली भर्ती निरस्त क्यों हो गई? अरे भैया यही तो मैं चाह रहा हूँ, भर्ती निरस्त कैसे हो गई? दोबारा होगा और क्या हो गई? आपने ये वादा किया नहीं होती है, बताओ गलती किस में नहीं होती, योगी मोदी किस में गलती नहीं होती है, इंसान है गलती सब पे होती है। अंधा भक्त है साहब, ये तीन जवाब नहीं दे पाए, ये तीन जवाब नहीं दे पा रहे अभी तक, ये अंधा भक्त है, साथ में गोबर भक्ति भी कर सकते हैं अपने, अंधा बजाओ बस। मोदी सरकार मंदिर में घंटा, आप एक बता रहे कि इंटरनेशनल लेवल पे बढ़िया काम हुआ है, दूसरा काम क्या लगा आपको जो अच्छा हुआ है ये बता दो, बुरा कौन सा हुआ है? आप मुझे बुरा बताओ, मैं अच्छा बताऊंगा। महंगाई बहुत बढ़ गई, लोग बता रहे हैं, बताओ महंगाई बढ़ गई है, 450 का सिलेंडर था 1,000 का हो गया, सब्सिडी नहीं आ रही, 10 साल के अंदर डबल, कोई भी सौदा आजमा के देख लो, 10 साल के अंदर डबल सिलेंडर डबल हो गया, इंसान की डीजल महंगा हो गया, जैसे इंसान की तनखा बढ़ी है वैसी महंगाई बढ़ गई, तनखा कितनी बढ़ गई आपकी, कौन सी कोटी बना ली आपने भाई साहब? भाई साहब एक चीज बताओ, आपने अभी मुझसे कहा कि आप जूते पहने हुए, मैं चप्पल पहना हुआ हूँ, पर आप जूते भी नहीं ले पा रहे हो और तरक्की कर रहे हो, तो बताओ क्या तरक्की आपकी? सुनो सुनो, मेरे पास जूता चप्पल सब है, अब मैं चप्पल पहना हूँ तो जाकर मतलब मैं कमाता नहीं हूँ, ये तो मैं काम करने जा रहा हूँ, मेरा काम ही ऐसा है, काम ही ऐसा है। बताइए एक बात, लेकिन एक बात बताइए, आप एक काम इंटरनेशनल लेवल पे बता रहे काम बढ़िया हुआ है, दूसरा काम आपको क्या अच्छा लगा? मुझे तो सभी अच्छे लग रहे, बेकार कौन से, किसान को ये बताइए, आप ये कह रहे किसान उधम मचा रहे हैं, कोई भी गरीब किसान उधम नहीं मचा रहा है, गरीब उधम मचाते कहाँ है, गरीब तो अपने पेट के चक्कर में लगे रहते हैं, तो पैसे वाले उधम से आंदोलन कहाँ होगा, गरीब आदमी आंदोलन कहाँ, धंधा बंद वो उधम चालू, दो नंबर का धंधा। मेरा भाई बीजेपी समर्थक है ना, बिल्कुल सुन अगर सरकार बढ़िया, सुन अब जय एक मिनट, जब कहा गई थी आपकी सोच और आपके प्रधानमंत्री का 56 इंच का चीना, जब चिन्ह उसके अंदर मणिपुर के अंदर माँ बहनों की इज्जत लूट रही थी, कहा गई थी सुनिए, किसान हूँ आप शहर में रहते हैं गांव में रहते हैं,
शहर में? शहर में रहते हैं ना, मैं गांव में रहता हूँ। धरती माँ का सीना चीर कर अन्न उजाने का काम करता हूँ, और 80% जनता देश की किसान के ऊपर है हमारे इस देश की। आज यूरिया का कट्टा 50 किलो का 40 किलो का कर दिया है, गन्ने के रेट नहीं बढ़े हैं। पहले दूध 10 रुपए खरीदते थे 10 साल पहले, बताओ शहर वालों बताओ। और आज 10 रुपए लीटर है सिलेंडर, 10 रुपए था सिलेंडर। सुनो सिलेंडर, अरे मैं इस भक्त से पूछ रहा हूँ, सिलेंडर कितना था? नहीं तो फिर आपने कहीं कैसे? सुनो भाई सुनो सुनो, सिलेंडर कितना खरीद रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिलेंडर कितने का खरीद रहे हैं? जब आपने सभी रेट बताई तो बताओ। 420 का था, जब सिलेंडर पर 20 रुपए बढ़े तो एक सिलेंडर आंटी थी, सिलेंडर रख के सर पर नागिन डांस करती थी, सिलेंडर बढ़ गया, सिलेंडर बढ़ गया। और आज उस आंटी का पता नहीं है, सिलेंडर आंटी का पता नहीं, कुंभकर्ण भी नींद से उठ जाता अब तक वो आंटी नहीं उठी। और सुनो, अंधभक्त होना अच्छी बात है, मगर अंधभक्त होकर गोबर को गाजर का हलवा बताना गलत बात है। बिल्कुल सुनो, गोबर गोबर का गायर का लुआ बता रहे, जे बता रहे, हम तो नहीं बता रहे। हमने कब कहा था? कोई गलती नहीं है मेरे बेटे की, मेरे भाई की कोई गलती नहीं है। उसको इस भाई को तो भी सुन लीजिए, कोई सर तैयारी करता फार्म भरता, जब उसका पर्चा लीक हो जाता है, उसकी निरस्त हो जाती ना, जब बताता क्या हुआ। मजदूरी करते ना भैया? मैंने पुलिस का पेपर दिया है। क्या हुआ? आप जा क्या हुआ? नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं लगी। मैं कैंसिल, मैं पहले पर्चा लीक हुआ। आप इस योग्य नहीं तो योग्य बनो, योग्य बनो। सभी योग्य पुलिस सबको, जिन सामान्य हक और अधिकार नौकरी लग जाएगी तो बेलदारी आपके यहाँ कौन करने आएगा? नहीं लगती, सबकी नहीं लगती, कौन करने आएगा बेलदारी? भाजपा ने वादा किया था। सुनो भाई, ए युवा साथियों, भाजपा ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएंगी, 10 साल में 20 करोड़ हो गई। 20 करोड़ तो घर, 20 करोड़ तो परिवार भी नहीं इस देश के अंदर, हर घर में नौकरी होती। झूठ ऐसी सफाई से बोलते हैं कि लोग यकीन कर लेते हैं। इसलिए आज जो देश का 80% किसान है, बताइए बताइए तो करेंगे। अच्छा आप मानते ना कि भाजपा ने काम बढ़िया कराया, मोदी जी ने काम बढ़िया कराया? कराया ठीक है, मैं कह रहा हूँ वही कर रहा है, अच्छा कर रहा है, देखो अच्छी भी कर रहा है। कौन सा नुकसान कर रहा हूँ वो बताओ, हम बताएंगे बढ़िया काम बताओ बताओ बताएंगे। देखो 2.5 लाख रुपये लेके बैठे हैं सब जने, चलो गिनाओ 1000 मकान बनने भाई तरफ, बताओ। सुनो सबने ले रखे 100 में से 5 को, अरे सुनो सुनो 100 में से 5 को मैं गारंटी दूंगा। क्या था डीजल का रेट था? क्या 60-70 था भाई साहब? सुनो सुनो सुनो, हाँ डीजल का रेट था भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब के 1 रुपए भाई। हिलो नहीं, हिलो नहीं, नशे में हो क्या? गन्ने का रेट बताओ कितना हुआ 10 साल में? भाई साहब ने जैसे कहा कि 2.5 लाख रुपए, भाई साहब ने जैसे कहा कि 2.5 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को घर के लिए इनकी तरफ से मिले। माननीय मायावती जी ने काजरे में योजना बनाई है, वो क्या फ्री में बनाई थी? वो भी गरीबों के लिए बनाई थी, उन्होंने नहीं दिया? वो उन्होंने दिया ना उन्होंने, क्या नहीं दिया? एक बात बताओ, सब वो उसको किसी को मिली? वो क्यों नहीं मिली? मिली, लोग रह रहे चौपटे पे जाइए रह रहे, आगे भाई साहब खा गए सब, को किसी को नहीं मिली? सुनो सुनो सुनो, सही कह रहे हैं भैया, बहुत अच्छा काम हुआ। सुनो तसल्ली से, 700 किसानों ने आत्महत्या की और भाजपा के, सुनो अरे सुन तो लो यार, मुझे तो सही, एक किसान की आत्महत्या, सुनो भाजपा के मंत्री के लड़के ने किसानों पर गाड़ी चला दी, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? पूछना चाहता हूँ अंधभक्तों, भाज किसान किसान आतंकवादी है? हमारे राजस्थान में कईयों मर गए, किसान आतंकवादी है? किसान कहाँ? नहीं भाजपा ने, भाजपा ने कहा नहीं कि आतंकवादी नक्सलवादी हैं, धरने पर जो बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, आपने कहा नहीं होना चाहिए। देश को तरक्की की अगर ओर ले जाना है तो हिंदू मुसलमान पर नहीं काम करने का, इंसानियत पर काम करना होगा, एकता पर काम करना होगा। देखो हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। सुनो 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 बेटे सुनो, अरे बेटे सुनो, टोनी जो है का केंद्रीय मंत्री, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला क्योंकि वो मुसलमान नहीं था। पर्चा लीक करने वाले जितने भी होते हैं हमारे हिंदू भाइयों के नाम आते हैं, जो बेईमान भ्रष्ट हैं सब, नहीं उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला। कहीं भी सांप्रदायिकता वाली बात होगी मुसलमानों को तो एक्शन तुरंत होगा। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, 56 इंच की सेना कहाँ गया जब मणिपुर के अंदर माँ बहनों की इज्जत और आबरू लूटी गई? वो मुसलमान नहीं थी, वो इंसान थी, हम इंसानियत की लड़ाई लड़ते हैं। आज रोजगारी
का दर इतना गिर चुका है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 62,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती आती है। 50 लाख, सुन लो बच्चों बाद में, 50 लाख फार्म भरते हैं, 48 लाख उसकी वो देते एग्जाम देते हैं, बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, बीकॉम और जाने कौन कौन सी डिग्री के रहते हैं। तो ये रोजगारी का आलम है। ये साहब कह रहे कि रोजगार बहुत मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं। ये तो इनके हालात का दिख रहा है, रोजगार की समस्या है, रोजगार की समस्या है। अब इन्हें सबन ने सरकारी नौकरी, इनको नाम लिखो, सरकारी नौकरी सबन ने मिल जाए, सब सरकार देवे तो प्रकाश सरकारी नहीं जाती यार, सरकारी नौकरी। अब भाई साहब मेरी बात सुनो, अब बेरोजगार हो गए ये सब, पहले कलेक्टर डीएसपी कौन कौन था बताओ, कौन कौन था मुझे बताओ। मैं बताऊँ, केवल मोदी ने मंदिर बनाया घंटा बजाने के लिए, अब वो भी भीख मांगने के लिए, जितने स्टूडेंट लाए पे भीख मांगे, केवल भीख मांगे, मंदिर के आगे घंटा बजाए भीख मांगे। एक बात बताओ, घंटा बजाने के अब कौन सी जगह की बात कर रहे हो बताओ, मेरी बात सुनो, कहाँ पे राम मंदिर की बात कर रहे हो, कहाँ मंदिर में भीख मांगे। राम मंदिर से मैं ये बताता हूँ, आस्था का विषय राम मंदिर, हमें खुशी अच्छी बात है, राम मंदिर के साथ साथ विकास में क्या योगदान है मैं वो जानना चाहता हूँ, संता को क्या मिलेगा, क्या विकास है। राजस्थान में इन्होंने कहा था 450 का सिलेंडर देंगे हम, मैं भाई साहब से बात करता हूँ, 450 का सिलेंडर दिया, किसको 450 का सिलेंडर मिल गया, क्या तरह का बोलो, कितनी तरह मिल रही आपको। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये कह रहे 400 में सिलेंडर मिलता था, आज पहले 150 रुपए का, 250 रुपए में मजदूर आता था, आज मेरे से 500 रुपए मजदूर ले रहे हैं। कौन सा मजदूर ले रहा है, महंगाई बढ़ गई लोग, चलो अरे सुनो सुनो, महंगाई बढ़ेगी तो मजदूर के पेट काट के बढ़ेगा, उसे मजदूर में लेना पड़ेगा पैसा, रजिस्टर है इनके पास, कितने देश के अंदर कितने मजदूर हैं मुझे क्या मालूम है, ये पता है एक मजदूर 500 रुपए ले रहा, ये पता नहीं है कितने मजदूर हैं, बढ़िया खा रहे हैं, कहीं से ना कहीं से लग रहा है मामला, तो कह रहे हैं दो नंबर का लग रहा है, दो नंबर का, मुझे मुझे हलवा पराठा मिल रहा है तो सबको मिल रहा है।